क्या आप भी उस जीवन की तलाश में हैं, जहां न सिर्फ बैंक बैलेंस भरा हो बल्कि मन की शांति, स्वस्थ शरीर और आत्मिक संतुलन भी हो? द रिच लाइफ फॉर्म्यूला सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, यह आपको उस समृद्धि का रास्ता दिखाती है जो जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाती है। यह किताब आपकी जिंदगी बदलने का फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मूला जो न केवल आपको वित्तीय आजादी देता है बल्कि आपको एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक नया नजरिया है जो आपको अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने जीवन के हर हिस्से को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आप भी वही पुरानी दौड़ से निकलकर असली समृद्धि पाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, द रिच लाइफ फॉर्मूला, यानी समृद्ध जीवन का फॉर्मूला। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच और आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर एक समृद्ध और सफल जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 10 फॉर्मूला की पूरी गहराई। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। और दोस्तों, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करना, बल्कि अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई तभी लाइक करना, वरना इस वीडियो को लाइक मत करना। चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग 10 भागों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट एक, समृद्ध जीवन क्या है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि समृद्ध जीवन का असल मतलब क्या है। बहुत से लोग समृद्धि को सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन असली समृद्ध जीवन सिर्फ धन तक सीमित नहीं है। एक समृद्ध जीवन का मतलब है एक आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, 2 मानसिक संतुलन, मेंटल पीस, 3 स्वस्थ रिश्ते, हेल्दी रिलेशनशिप्स, 4 शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, 5 आध्यात्मिक समृद्धि, स्पिरिचुअल वेल्थ। इसलिए द रिच लाइफ फॉर्म्यूला का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ पैसे कमाएं, बल्कि यह है कि आप हर क्षेत्र में सफल और समृद्ध हों। पार्ट 2, अपने लक्ष्यों को समझें। एक समृद्ध जीवन की शुरुआत तभी हो सकती है जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझें। हर किसी का जीवन अलग होता है और इसलिए आपके लक्ष्य भी अलग होंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। एक लक्ष्य लिखें, सबसे पहले अपने जीवन के हर क्षेत्र, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक में छोटे और बड़े लक्ष्य लिखें। 2 स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि आप जीवन में किस तरह की समृद्धि चाहते हैं। 3 प्राथमिकताएं तय करें, कौन सा लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसे पहचानें और उसी पर ज्यादा फोकस करें। जब तक आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक समृद्ध जीवन जीना कठिन होगा। पार्ट 3, पैसों की सही समझ। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, धन। एक समृद्ध जीवन के लिए आर्थिक स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए सही पैसों की समझ होना जरूरी है। एक बचत और निवेश। केवल पैसे कमाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उसे बचाने और सही जगह निवेश करने पर फोकस कीजिए। बचत का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, आपको इन पैसों को सही जगह निवेश करना सीखना होगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट इत्यादि। 2 आय के स्रोत बढ़ाएं। अगर आपके पास सिर्फ एक आय का स्रोत है तो आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। कोशिश करें कि आपके पास अलग अलग आय के स्रोत हों, जैसे कि एक साइड बिजनेस, स्टॉक मार्केट में निवेश, या फिर एक पैसिव इनकम स्रोत जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी। 3 ऋण से बचें। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज्यादा कर्ज लेते हैं वे अक्सर फंस जाते हैं। कर्ज तभी लें जब यह सचमुच जरूरी हो। उधारी और कर्ज का सही प्रबंधन करना भी एक समृद्ध जीवन का हिस्सा है। पार्ट 4, मानसिक और शारीरिक संतुलन। सिर्फ पैसे से ही जीवन समृद्ध नहीं होता, एक खुशहाल और सफल जीवन के लिए आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है।
एक मानसिक शांति। ध्यान, मेडिटेशन और योग आपके दिमाग को शांत रखने में मदद करते हैं। दिन की शुरुआत ध्यान से करें ताकि आप पूरे दिन शांत और केंद्रित रह सकें। तनाव से बचें और मानसिक संतुलन बनाए रखें। 2. शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कभी भी पूरी तरह से समृद्ध जीवन का आनंद नहीं ले सकते। नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद लें। 3. रिश्ते और भावनाएं। समृद्ध जीवन के लिए आपके रिश्तों का भी अच्छा होना जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनाएं। 5. आत्मनिर्भरता और अनुशासन। आत्मनिर्भरता और अनुशासन समृद्ध जीवन का एक अहम हिस्सा है। एक आत्मनिर्भर बने। आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से। आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि आप अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं। 2. अनुशासन। अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल है। अपने समय और धन का सही प्रबंधन करें। सही आदतें बनाएं और उन्हें नियमित रूप से फॉलो करें। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो को यही उद्देश्य रहता है कि आपको कुछ नई और बेहतर जानकारी उपलब्ध कारण, परंतु आप लोग ऐसे वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 के बारे में। 6. आध्यात्मिक समृद्धि। समृद्ध जीवन के लिए केवल भौतिक या आर्थिक चीजें नहीं चाहिए होती, आपकी आत्मा की समृद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक आध्यात्मिक जागरूकता। रोजाना कुछ समय अपने अंदर की शांति और आत्म जागरूकता को समझने के लिए निकालें। यह आपको जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। 2. साधारण जीवन जिएं। जरूरत से ज्यादा चीजों पर ध्यान न दें। साधारण लेकिन समृद्ध जीवन जीने की कोशिश करें। 7. समय का सही प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समृद्ध जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है समय का सही प्रबंधन। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे सही ढंग से उपयोग किए बिना हम कभी भी समृद्ध जीवन नहीं जी सकते। आइए जानते हैं कुछ तरीके जिससे आप अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। 1. प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन की शुरुआत में यह तय करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। सबसे जरूरी कामों पर पहले ध्यान दें। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटें, अत्यावश्यक कार्य, हाई प्रायोरिटी, मध्यम प्राथमिकता, मीडियम प्रायोरिटी और कम प्राथमिकता, लो प्रायोरिटी। अत्यावश्यक कामों को पहले निपटाएं। 2. टाइम ब्लॉकिंग। समय के ब्लॉक बनाएं। अपने दिन के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, सुबह का 1 घंटा केवल ईमेल और संदेशों का जवाब देने के लिए तय करें, दोपहर को नए प्रोजेक्ट्स पर काम करें और शाम को आत्मविकास या आराम के लिए रखें। इस प्रक्रिया से आप अपने दिन को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और ज्यादा काम कर सकेंगे। 3. डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। बिना रुकावट का वातावरण। जब आप किसी जरूरी काम पर फोकस कर रहे हों तो अपना ध्यान बंटाने वाले सभी चीजों को दूर रखें, जैसे कि सोशल मीडिया, अनावश्यक फोन कॉल्स और अन्य रुकावटें। गहरी एकाग्रता, डीप वर्क करने से आपकी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होगा। 4. ब्रेक्स लेना जरूरी है। लगातार काम करते रहना आपको थका सकता है और आपकी उत्पादकता को घटा सकता है, इसलिए समय समय पर छोटे ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है। हर 50 मिनट काम करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। 8. स्थिरता और धैर्य, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। समृद्धि एक दिन में हासिल नहीं होती, इसके लिए समय, मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण स्थिरता, कंसिस्टेंसी और धैर्य, पेशेंस चाहिए। चाहे वह पैसा कमाना हो या मानसिक संतुलन बनाए रखना हो, हर चीज के लिए एक लंबी अवधि की सोच जरूरी है। 1. धैर्य का महत्व। कई बार लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत कदम उठाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तविक समृद्धि धीरे धीरे आती है। इसके लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है।
सफल लोग हमेशा लंबी अवधि में सोचते हैं और वे जानते हैं कि छोटी छोटी सफलता उनके अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम है। दो, कंसिस्टेंसी इन एफर्ट्स, लगातार प्रयास। रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, चाहे वह वित्तीय निवेश हो, व्यायाम हो या अपने व्यक्तिगत विकास के लिए पढ़ाई। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है नियमित रूप से छोटे छोटे कदम उठाना। तीन, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, प्रगति का आकलन। अपनी प्रगति को समय समय पर मापें। देखें कि आपने कितना हासिल किया है और आगे कितनी दूरी तय करनी है। यह आपको प्रेरित रखेगा और आप अपने बड़े लक्ष्यों के करीब जाते रहेंगे। पार्ट 9, जोखिम लेने की कला, द आर्ट ऑफ टेकिंग रिस्क। कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो, चाहे वह वित्तीय हो या व्यक्तिगत, जोखिम लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप समझदारी से और नियंत्रित तरीके से जोखिम लें। एक, कैलकुलेटेड रिस्क, गणना किए हुए जोखिम। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठा लें, बल्कि आपको हर जोखिम को सोच समझकर उठाना चाहिए। हमेशा किसी भी फैसले से पहले रिसर्च करें, संभावनाओं को समझें और फिर तय करें कि यह जोखिम आपके लिए सही है या नहीं। दो, फेलियर एज लर्निंग, विफलता से सीखें। हर जोखिम का सफल होना जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको असफलता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन असफलता से घबराने के बजाय उसे एक सीख के रूप में देखें और अपनी अगली रणनीति बनाएं। तीन, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। अपने जोखिम को कम करने के लिए सही जानकारी और योजना बनाएं। अपने संसाधनों को सही तरीके से वितरित करें ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो आपके पास अन्य विकल्प खुले रहें। पार्ट 10, दूसरों की मदद से समृद्धि, हेल्पिंग अदर्स फॉर प्रोस्पेरिटी। समृद्ध जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें बदले में ज्यादा संतुष्टि और समृद्धि मिलती है। एक, गिविंग बैक, दूसरों को लौटाना। जब आप अपनी आर्थिक या मानसिक समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह कई गुना होकर वापस आपके पास आती है। यह चाहे दान हो, किसी की मदद करना हो या सिर्फ समय देना, दूसरों को देना आपके जीवन को और समृद्ध बनाता है। दो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, समुदाय में भागीदारी। अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करें, चाहे वह किसी सामाजिक संगठन के लिए काम करना हो या फिर अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, यह सब आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी द रिच लाइफ फॉर्मूला। इसमें पैसे के अलावा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समृद्धि पर भी जोर दिया गया है। समृद्ध जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आप हर पहलू में संतुलन बनाएं। याद रखें, समृद्धि एक प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। यह आपकी छोटी छोटी आदतों और निर्णयों से बनती है, इसलिए आज से ही इन बिंदुओं को अपने जीवन में लागू करें और समृद्धि की दिशा में अपना कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। और मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको हिंदी समय के साथ साथ इंग्लिश की भी पसंद है? अगर हाँ तो कमेंट में इंग्लिश समरी लिख देना। अगली वीडियो इंग्लिश में आएगी, जो कि आपके लिए कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। और अगर आप खुश रहने के चार बड़े रहस्य जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, और अगर आप खुद को बदलकर पूरी दुनिया बदलना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो को देख लेना। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो तो आप अंदर से खुश हो जाओगे।